मृत्यु पूर्वरु काबुआ फोन करिथिला कुलमणि बरालक पुओंकु एवं देखंतु कोन कहिथिला जगन्नाथक राण खाई कहउछि जे मंत्री प्रताप जेना आमकु फसाई देला एवं तीनि तीनिटा मर्डर केस रामकु फसाई देला ए कथा निजे काबुआ फोन करी कुलमणि बरालक पुओ रमाकांत बरालकु कहिथिले रमाकांत बराल इमिडिएटली पुलिस को जणैथिले एवं जहां अभियोग होउछि पुलिस एने अवगत करै देथिला प्रताप जेनांकु एवं एक घटना परे काबुआर संदेहजनक मृत्यु हेला मुदाला नंबर 13 विरोध रे केबे हेबो एक्शन बिजू जनता दल काही की चुप जन विरोधी अभियोग जेतेबेले आसुची नरहत्या अभियोग जन विरोधी नुहे कि ये होउची बड़ प्रश्न एवं देखंतु आपण प्रताप जेना ये होउछंती प्रताप जेना एवं जहांको नारे दफा 302 लागिची एवं एक कथा होउची जे दफा 302 लागिला परे भी काहीकि तांको विरोध रे एक्शन होनी महंगा डबल मर्डर केस रे कुलमणि बराड एवं दिव्य सिंह बराल को मर्डर केस रे प्रथमे मुदाला नंबर 13 थिले प्रताप जेना किंतु तांको अगेंस्ट रे चार्जशीट रे ना काटी देला पुलिस कुलमणि बराल को परिवार जाई कि पिटीशन दाखल कले कोर्ट रे कोर्ट हृदयंगम कले एथि पई जे सीडीआर रे खोला खोली ये प्रमाण सामना को आसिला जे महंगा डबल मर्डर रो जी अभियुक्त से ता सहित कथा हे छंती प्रताप जेना एवं प्रताप जेना सेते बेले आईन मंत्री थिले जणे आईन मंत्री काही की काबुआ सहित कथा हे थिले एवं काबुआ रो मृतदेह कोठु मिलिला काबुआ रो मृतदेह मिलिला प्रताप जेनांक परिवार रो मालिकाना रे थिबा स्टॉकयार्ड निकट रु एवं एबे अडुआ बढुची कारण एबे कोण आईनगत दिग रहउची प्रताप जेनांक पाई जन विरोधी नारे प्रदीप पाणिग्राही सौम्य पटनायक को दलर बहिष्कार करिछि बिजु जनता दल ताहाले नरहत्या अभियुक्त प्रताप जेनांक काहीकि दल बहिष्कार करूनी ये होउछि बड़ प्रश्न एवं जेतेबेले कि कोर्ट आपातत प्रमाण पाइछंती एवं कोर्ट लगैछंती दफा 302 ता परे भी काहीकि तांकु दलर विदा करा जाउ नाही ये होउछि बड़ प्रश्न एवं अर्गस ए महंगा डबल मर्डर केस को बारंबार प्रसंग करिछि एवं सामना को आनिछि एवं अर्गस जो खबर प्रसारण करथिला सेतिरे मोहर मारिछंती कोर्ट प्रताप जेना को विरोध रे जो संगीन दफा लागिछि जे दफा 302 506 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रो दफा एवं ए सब दफा लागिला परे तांको विरोध रे एक्शन काही की होउनी काही की तांको बहिष्कार करा जाउनी जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।